रुक जाओ ना स्टार्ट अब आप देख ना बुला रही थी सभी देखो कल बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में प्रूफ किए थे पांच नंबर का वो सीख लीजिएगा बढ़िया से ठीक है। पांच नंबर पूछता है ये वाला देखो ये अभी तक नहीं पूछा है लेकिन फिर भी भेबिया लगा दीजिए क्योंकि सब इस चैप्टर में जितना भी डिफिनेशन है लगभग लगभग में पूछ चुका है किसी न किसी बार तो हो सकता है ये पूछ देगा ना इसको भी आप भेबिया लगा दीजिए कुछ है नहीं इसमें। ऐसा रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी दो होगा लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वन होगा। फिर बोल रहे हैं ऐसा रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी दो होगा लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन। कैसे देखिए C12 H22O11 प्लस H2O ठीक है C11H22O11 और इसको जब हाइड्रोलाइज्ड करेंगे है ना बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे है ना मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड ये सुक्रोज शुगर है ये चीनी किसका फॉर्मूला है ये चीनी का जब हाइड्रोलाइज्ड करेंगे हाइड्रोलाइज मतलब होता है वाटर से रिएक्ट करवाना हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है पानी से रिएक्शन करवाना तो जैसे ही पानी से इसको रिएक्ट करवाएंगे तो एक पार्ट ये ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 इसको बोलते हैं ग्लूकोज और एक पार्ट जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है ग्लूकोज स्ट्रक्चर अलग अलग होता है पढ़ाएंगे ये बायो मॉलिक्यूल्स में दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है। सुनिए तो ऐसा रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी दो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होगा। देखो H2O का ऑर्डर याद रखिएगा जीरो होता है मोलिकुलरिटी पहले मोलिकुलरिटी निकाल लेते हैं मोलिकुलरिटी क्या होता है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ये दे देगा बोलेगा इसका ऑर्डर क्या होता है मोलिकुलरिटी तो दो होगा क्यों दो होगा क्या बताए थे किसी भी रिएक्शन में जितने मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है वही मोलिकुलरिटी होता है अधिक से अधिक तीन मोलिकुलरिटी होती है। यहाँ पे देखो कितना मोलिक्यूल है एक शुगर है एक H2O तो मोलिकुलरिटी कितना हो गया 1+1 कितना हो गया 2 कैसे एक शुगर मोलिक्यूल एक वाटर मोलिक्यूल दो हो गया लेकिन ऑर्डर जो होगा याद रखिएगा H2 आपको पहले बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली होता है H2O का ऑर्डर जीरो होता है याद रखिएगा H2O का ऑर्डर कितना होता है जीरो मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा जीरो ये जीरो ऑर्डर फॉलो करता है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है जीरो ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है वन तो ऑर्डर क्या हो जाएगा पावर का जोड़ ये 1+0 क्या हो जाएगा बोलो मतलब ऑर्डर एक और मोलिकुलरिटी जीरो 1+0 ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी क्या होगा दो देखो तो मोलिकुलरिटी दो है ना लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होगा जिसको हम लोग क्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है स्टॉप देखिए वेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड है ना वेन टेम्परेचर इज इंक्रीज टेम्परेचर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर देखो समझते जाइए तब लिखिएगा जब किसी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है ना वेन टेम्परेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन वहाँ नहीं लिखे है तो समझिएगा रिएक्शन टेम्परेचर कहाँ जरूरत पड़ेगा रिएक्शन में ही तो वेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10°C यदि टेम्परेचर को हम 10°C से बढ़ा देंगे ठीक है टेम्परेचर को कितना डिग्री से बढ़ा देंगे 10°C मतलब मान लीजिए कोई रिएक्शन 25° या 30° या 40° पे हो रहा है ठीक है और उस रिएक्शन के टेम्परेचर को 10° से बढ़ा दिया जाता है ठीक है। तो क्या होता है सो देखिए जब 10° से बढ़ा दिया जाता है देन रेट ऑफ रिएक्शन तब जो है रिएक्शन का रेट या तो डबल हो जाता है
तब जो है रिएक्शन का रेट, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तब रिएक्शन का रेट डबल हो जाए, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, बिकम्स मतलब होना, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, डबल या ट्रिपल, या तो डबल हो जाता है या तो ट्रिपल हो जाता है। जब टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सी से बढ़ा दिया जाता है तब रिएक्शन का रेट या तो डबल हो जाता है, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल, ड्यू टू, ड्यू मतलब कारण, ड्यू टू कोलिजन, ऐसा क्यों होता है तो कॉलिजन होता है, कॉलिजन मतलब टक्कर, किसके बीच में, ड्यू टू कॉलिजन अकर्स, अकर्स मतलब होता है घटित होना, ठीक है, कोलिजन अकर्स घटित होता है ना, ड्यू टू कोलिजन अमोंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होने कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब इसी को लिखिए, हम तब इसको हम समझाते हैं, फिर रुके बता ही देते हैं। जब किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है 10 डिग्री सी से, तब रेट हो जाता है या तो डबल हो जाएगा या तो ट्रिपल हो जाएगा, ड्यू मतलब कारण, क्या कारण है तो कॉलिजन होता है, क्या होता है कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब क्या होता है टक्कर, क्या टक्कर होता है, किसके बीच में टक्कर होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपको मॉलिक्यूलरिटी के बारे में एक्सप्लेन किए थे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है एक साथ वही मॉलिक्यूलरिटी होता है, अधिक से अधिक कितना मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, तीन मॉलिक्यूलरिटी, तीन। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे टेम्परेचर या तो डबल, अधिक से अधिक कितना होगा ट्रिपल ही होगा, याद रखिएगा कितना गुना होगा ट्रिपल ही, क्यों होगा, अधिक से अधिक बताए थे, अधिक से अधिक कितना मॉलिक्यूल एक साथ करता है, इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी वाला केस में बोल रहे हैं कितना होगा अधिक से अधिक रेट, बोलो, या तो डबल होगा या तो ट्रिपल हो जाएगा रेट, या तो क्या हो जाएगा डबल या तो ट्रिपल, क्योंकि कोलिजन या तो दो के बीच में होगा या तो तीन के बीच में होगा, है कि नहीं, अधिक से अधिक तीन के बीच में होगा, एक के बीच में कोलिजन होगा क्या, एक गुना नहीं होगा, मतलब या तो दो गुना होगा या तो तीन गुना, टक्कर, टक्कर कितने के बीच में हो सकता है, या तो दो या तो तीन, कोलिजन की बात हो रही है, कोलिजन मतलब टक्कर, जैसे ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आया इधर से, ये आया इधर से, टकरा गया, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, रेट कितना गुना हो जाएगा, दो, यदि एक साथ मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, यहाँ पे टक्कर हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, एक तीन, अब कहिएगा चार, तो चार हम जानते हैं कोलिजन एक साथ है ना, तीन ही मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इसीलिए चार होगा, रेट क्या इतना गुना हो जाएगा, या तो दुगुना होगा या तो तीन गुना, या तो दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा या तो तीन मॉलिक्यूल, तो ऐसा जब टेम्परेचर किसी रिएक्शन को 10 डिग्री सी से बढ़ा देते हैं, जिस रिएक्शन पे टेम्परेचर हो रहा था उस टेम्परेचर को 10 डिग्री सी से बढ़ा देंगे, 10 डिग्री सी से क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो रेट या तो डबल हो जाएगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल या ट्रिपल, या रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगा या तो ट्रिपल हो जाएगा, क्यों होगा, क्या कारण है, तो कारण है कोलिजन अमंग, कोलिजन अकर्स अमंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है टकरा, कोलिजन, इसके कारण है, इसको आप लोग जल्दी नोट कीजिए, तब हम जो है इस पे हम इसका एग्जांपल देके पूरा क्लियर करते हैं, स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए, अगर हम पहले चाहें देखिए टेम स्टार्ट कर दिए जी, 25 डिग्री सी पे टेम्परेचर जब 25 डिग्री सी है ना टी 25, तब 25 डिग्री सी टेम्परेचर है तो रेट को मान लिए आर, मान लिए आर, अब उसको हम उसमें 10 डिग्री सी बढ़ा दिए, 25 था 10 बढ़ा दिए, ये हो गया 35 डिग्री सी, तो लिखा दिए या तो डबल हो जाएगा या तो ट्रिपल, ये डबल हो गया, डबल मतलब 2R। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते कैसे, अब यहाँ से पता चलेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखो कैसे निकालते, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखिए तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पहले ये क्या करेंगे, टी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ये हम रेशियो निकालते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगी आपको टी 35 बटे क्या, ये
पच्चीस बराबर टू आर है बटे आर आर कट जाएगा ये बच गया तो टेम्परेचर कॉफिशियंट टी 35 बटे टी 25 बराबर क्या हो गया दो। ये जो है यही टेम्परेचर कॉफिशियंट है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू किसे डिनोट करते हैं? टेम्परेचर कॉफिशियंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, याद रखिएगा। यू को ऐसे मोड़ देना है तो टी 35 बटे टी 25 टी 35 कितना है दो आर यार, तो ये हो जाएगा दो टी 35 टी 25। ये क्या टेम्परेचर कॉफिशियंट, तो जब रेट को दुगुना करेंगे 10 डिग्री सी से बढ़ाएंगे तो रेट कितना गुना हो जाएगा दो गुना, कितना गुना हो जाएगा दो गुना, ठीक है दो गुना हो जाएगा, ठीक है 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना गुना हो जाएगा दो गुना, ठीक है इसको नोट करिए तब आगे बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है, जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन में पूछा हुआ है क्वेश्चन है ना। देखो ये है क्या क्या कह रहा है, जब किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 25 डिग्री सी से बढ़ा देंगे तो रेट कितना गुना हो जाएगा, है कितना गुना होता। देखिए हम जानते हैं जो यदि हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ा देते तो रेट दो गुना हो जाता है, होता है ना टेम्परेचर 10 डिग्री तो रेट कितना गुना हो जाता है दो गुना। तो हम टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ाएंगे, टेम्परेचर क्या बढ़ाएंगे 20 डिग्री, ये दुगुना है ना। तो क्या कहिएगा बताइए, 10 डिग्री पे दो बढ़ रहा है तो 20 डिग्री पे कितना होगा चार हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि 30 डिग्री बढ़ाएंगे फिर दुगुना आठ, चार दुनी, फिर यदि 40 डिग्री बढ़ाएंगे तो आठ दुनी 16, फिर और 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना होगा 16 दुना 32, ऐसे होता है। इतना थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसके लिए हमें ट्रिक बताते, देखो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ये जो 50 डिग्री सी है इसमें 10 से आप भाग दे दीजिए, कितना आ गया 5। हम क्यों 10 से भाग दिए, क्योंकि 10 रिफरेंस है, 10 को 10 डिग्री की बात की है ना डिफरेंस ने में, तो 5 आया। अब क्या कीजिए, रेट जब निकालना है तो दो पे दो टेम्परेचर कोफिशिएंट है जी, तो दो पे क्या कीजिए जितना भाग दे के आता है उस पर पावर चढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 32 डायरेक्ट निकल जाएगा इतना गुना रेट, ठीक है ना। जो टेम्परेचर होगा उसमें कितना भाग देंगे 10, जो आएगा उसको क्या करेंगे दो पे चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए आपको 7 डिग्री कह देगा कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 7 डिग्री से बढ़ा दे, रेट कितना गुना हो जाएगा 7 डिग्री, तो क्या करेंगे 60 में 10 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 2 पे पावर 64 जी। अब कह देगा 80 डिग्री से बढ़ा रहे, 80 डिग्री में 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8, 2 पे पावर 8 कितना हो गया 64, दूना 128 बना 200, ठीक है कोई दिक्कत है इसमें, समझे। आप कहेगा आपको 30 डिग्री से बढ़ा देंगे, 30 डिग्री मतलब क्या 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8, 40 डिग्री से बढ़ा देंगे 40 में 10 से भाग दिए 4, 2 पे पावर 4 16, ठीक है समझ गया ना। 50 डिग्री 10 से भाग दे देंगे, जो भाग देकर आएगा 2 पे पावर चढ़ा देंगे, जैसे 30 डिग्री से काढ़ा बढ़ा देंगे तो 30 में 10 से भाग दिए 3, ठीक है स्टॉप कीजिए। देखो एक तो ये हो गया, आप जब टेम्परेचर को वही चीज है, ये टेम्परेचर ये रेट 25 डिग्री सी है तो ये कितना रेट हो जाएगा 10 आर, और जब 35 10 डिग्री सी से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 आर 2 पद बता दिए थे। अब जब इसका टेम्परेचर कॉफिशियंट निकालेंगे, टेम्परेचर कॉफिशियंट कॉफिशियंट बताए थे क्या होता है, ये टी 35 बटे क्या टी 35 मतलब 3 आर बटे क्या हो जाएगा आर, कितना हो गया 3, टेम्परेचर को म्यू बराबर क्या हो गया 3 गुना। अब इसी तरह से हम बताएंगे 20 डिग्री बढ़ा देंगे तो क्या होगा आपको बता दें, सेम देखो एक मिनट देख लीजिए तुरंत हो जाएगा। जैसे मान लो 30 ये तो 10 डिग्री में इतना 3 गुना हुआ, यदि हम 40 डिग्री सी से बढ़ा देंगे तो रेट कितना गुना होगा, 40 में क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, कितना भाग देंगे 10 से, कितना आ गया 4। अब जो रेट होगा ये क्या करेंगे 3 पे पावर 4 से चढ़ा देंगे, कितना हो गया 81, ठीक है। अब क्वेश्चन कहेगा कि 50 डिग्री सी से बढ़ा दिया गया टेम्परेचर,
और दूसरा ये 50 डिग्री सी से बढ़ा दिया गया तो क्या करेंगे, 50 में 10 से समझ गए कितना है 5। अब रेट जो है 3 पे पावर 5 कितना हो गया 243 समझ गई। ठीक है अब 60 डिग्री सी से बढ़ा देंगे तो 60 डिग्री सी में क्या करेंगे 60 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा 6, रेट हो गया 3 पे पावर 6। ठीक है इस तरह से हमको निकालना है। 70 डिग्री होगा क्या करेंगे 70 में 10 से भाग देंगे 7 और 3 पे पावर क्या चला देंगे 7। कोई दिक्कत फिर से रिपीट करते रहे। टेम्परेचर 25 डिग्री रेट हो गया आर, जब 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो गया 35, इसका रेशियो बटे ये 3 आया। तो हम ट्रिक पहले बता दिए थे क्या करेंगे 10 से क्यों रिफरेंस माने हुए थे पहले जी सर 10 इधर 4 आया 3 पे पावर क्या कर देंगे 4, फिर 50 जो भी आएगा जैसे 80 आया तो क्या करेंगे 10 से टेम्परेचर को 80 डिग्री से बढ़ा देते तो रेट कितना गुना हो जाएगा है ना। वहां पर लिख देगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 होता है क्वेश्चन में लिख देगा। यदि कहेगा किस पे 2 पावर चढ़ाएंगे किस पे मतलब किस पे 2 पे किसको रखेंगे 3 पे किसको रखेंगे तो वहां पे नीचे में लिख देगा क्वेश्चन में कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, इस वाला क्वेश्चन में लिख देगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है। ठीक है नोट कर लीजिए कल खत्म होगा ये क्वेश्चन डाल दीजिए। ठीक है जिसको बनाना होगा तो एक क्वेश्चन बना के लीजिएगा कि जब टेम्परेचर को 35 डिग्री सी से बढ़ा देंगे ठीक है तो रेट कितना गुना होगा बना के लाना है। ठीक है ये टास्क हुआ। ठीक है आर किस किस टास्क।